नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने से मोटो एक्सट्रीम चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बजाज की प्लैटिना 100 के बारे में देखेंगे जो BS6 अपडेट्स के साथ में लॉन्च हुई है। मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फिर जल्द से जल्द बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस अफोर्डेबल माइलेज देने वाली कम्यूटर बजाज की बाइक के बारे में। चलिए फिर देखते हैं आगे। बजाज की प्लैटिना 100 बजाज के सबसे सस्ते अफोर्डेबल और माइलेज देने वाले बाइक्स में से। इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि ये एक कंप्यूटर बाइक है, स्ट्रीट बाइक है जिसे हम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इस BS6 वाले बजाज प्लैटिना 100 को BS4 मॉडल से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें इसमें देखने को नहीं मिलते। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका किया गया, जैसा पहला डिज़ाइन था वैसा ही डिज़ाइन हमें इसका अभी भी देखने को मिलता है। ज़्यादा चेंजेस हमें इसमें देखने को नहीं मिलते। छोटे मोटे चेंजेस जो किए गए हैं BS6 कंप्लायंट दिखने के लिए, वो चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज अगर हम देखें तो इसके हेडलाइट में, स्टार्ट ही करेंगे हेडलाइट से। हेडलाइट पहले से ज़्यादा अभी ब्रॉड किया गया, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। पहले का जो प्लैटिना का हेडलाइट था काफ़ी थोड़ा सा नैरो था, छोटा था, लेकिन अभी का हेडलाइट ब्रॉड किया गया है। और हेडलैम्प में जो लैम्प यूज़ किया गया है वो बल्ब वाला, कन्वेंशनल बल्ब वाला लैम्प हमें वहाँ पे दिखता है। वहीं पे हेडलैम्प के ऊपर हमें LED DRL भी देखने को मिलता है। बस यही चेंज हमें हेडलैम्प का यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इसके टैंक की बात करें तो टैंक का डिज़ाइन पहले ही BS4 मॉडल जैसा ही है। वहीं पे अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें, साइड पैनल्स की बात करें, टेल सेक्शन की बात करें, टेल सेक्शन में जो टेल लाइट दिया गया है वो भी पहले जैसा बल्ब, कन्वेंशनल बल्ब वाला टेल लाइट हमें इसमें देखने को मिलता है। कोई भी प्रकार के चेंजेस हमें इसमें देखने को नहीं मिलते। जैसा BS4 मॉडल की प्लैटिना थी वैसा ही BS6 मॉडल में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स भी सेम है। अगर हम इसका एक बार ध्यान इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ लगाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हमें पहले जैसा ही एनालॉग देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा और फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। और एक नई चीज़ हमें जो स्पीडोमीटर में देखने को मिलती है अभी BS6 मॉडल में, वो है माल फंक्शन लाइट, जो पहले हमें BS4 मॉडल में देखने को नहीं मिलता था। और बाकी सारे कंट्रोल्स जो एक बाइक में होने चाहिए वो सारे कंट्रोल्स हमें हैंडल बार पे मिल रहे हैं। हेडलैम्प, इंडिकेटर, टेल लैम्प, ये सारी चीज़ें हमें कन्वेंशनल बल्ब भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलती है कि यहाँ पे पहले जैसे ही बल्ब यूज़ किए गए। अभी BS6 मॉडल के जितने भी बाइक्स हम लोग देख रहे हैं सब में LED लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ LED हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लैटिना में उन्होंने पहले जैसा ही कन्वेंशनल बल्ब यूज़ किया गया है। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि बजाज ने यहाँ पर इस प्लैटिना में 102cc का सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड है। मतलब जितने भी BS6 कंप्लायंट के बाइक्स लॉन्च हुए हैं सारे कंपनीज के, सब में हमें फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बजाज कंपनी ने प्लैटिना 100 में फ्यूल इंजेक्शन नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर यहाँ पे लगाया गया है, जो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे महसूस होती है। अगर ये इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन लगाते तो शायद इन्हें इस प्लैटिना की प्राइस ज़्यादा बढ़ानी पड़ती थी, शायद उसी वजह से इन्होंने इसमें फ्यूल इंजेक्शन लगाया नहीं है। ये जो इंजन है जो प्लैटिना 100 में लगाया गया, ये 102cc का सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड इंजन है जो 7.7 BHP की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है विद 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ। हम अगर साइकिल पार्ट्स की बात करें, ब्रेक्स की बात करें, तो यहाँ पे प्लैटिना 100 में हमें फ्रंट में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, वहीं पर हमें रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में, जो एंटी स्किड टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। हम अगर सस्पेंशन की भी बात करें तो सस्पेंशन भी हमें फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, वहीं पर हम अगर रियर में देखें तो SNS डबल स्प्रिंग सस्पेंशन हमें इस प्लैटिना 100 में देखने को मिलते हैं। ये रहे साइकिल पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स की बात करें तो ये सारे साइकिल पार्ट्स हमें इस बाइक में देखने को मिलते हैं। इस बाइक के वेरिएंट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएंट्स इस बाइक के देखने को मिलते हैं। पहला है KSR जिसमें हमें बस किक स्टार्ट देखने को मिलता है, और इस किक स्टार्ट वाले वेरिएंट की प्राइस 50,648 रुपीज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो दूसरा वेरिएंट है, दूसरे वेरिएंट में हम अगर देखें तो दूसरा वेरिएंट ESLY, जहाँ पर हमको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है। किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट आपको यहाँ पर दोनों मिलेगा और इसकी प्राइस 58,362 हमें देखने को मिलती है। और इसका जो तीसरा वेरिएंट है इसको हम ES डिस्क कहेंगे। ES डिस्क वेरिएंट में आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, एलॉय व्हील्स मिलेंगे, किक स्टार्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और इस बाइक की एक शोरूम प्राइस 61,082 रुपीज़ हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों वेरिएंट्स जो है, तीनों वेरिएंट्स में बस दो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, इतना ही हमें कलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कलर वेरिएंट्स इसके नहीं है लेकिन इतने ही कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस बाइक का एक और एक अपग्रेडेड वर्जन है प्लैटिना एज गियर, जिसमें 5 गियर लगे हैं, और इस बाइक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा।
दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मतलब वो एजगेयर वाला वीडियो आते ही आप नोटिफाइड रहेंगे। तो भैया यही सब था बजाज की प्लैटिना 100 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए बाइक और उसके अद्भुत इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।